मध्य प्रदेश की धरती पर आई है और शहडोल में तो पहली बार कोई राष्ट्रपति आए हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए द्रौपदी मुर्मू जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैडम आपका हृदय से स्वागत है, लाखों का ये समूह आपका अभिनंदन करता है। ऐसी हमारी यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे अपने राज्यपाल, हमारे संरक्षक आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीडी शर्मा जी, भाई बिसाहूलाल सिंह जी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, विजय जी, मीना जी, प्रभुराम जी, मेरे सारे सांसद साथीगण जो मंच पर और नीचे हैं, मेरे सभी विधायक साथीगण और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े, उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज राष्ट्रपति जी उनकी जन्मभूमि पर गए थे और वहां से फिर हमारे बीच आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम गौरवान्वित हैं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सचमुच में ये भारत की विशेषता है, जनजाति समाज से हमारी तपस्वी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। एक बार फिर स्वागत कीजिए, फिर वंदन कीजिए, फिर अभिनंदन कीजिए। और सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, भारत को भगवान का वरदान है, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, फग्गन जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो बनाई है कि नहीं बनाई, अरे जोर से बोलो बनाई कि नहीं बनाई। ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास
तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं, जोर से बताएं सब होना चाहिए कि नहीं। और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं। और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए चलने जाना चाहिए क्या, जोर से बताओ चलने जाना चाहिए क्या। ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है उसके नाम करा दे, ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापिस जिसकी है उसके नाम करवाएगी, और SDM को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं, अरे सब जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं। हमारी जमीन है आखिर, कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकता है। ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहन और भाइयों, अपने अगर कोई खदान है, अपने यहां रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं, समझ लो पैसा को होना चाहिए कि नहीं। और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है, और खदान खनिज का पट्टा पहले जो आदिवासी उनकी सहकारी जो समिति उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा, क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है, ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता है जल, जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंगाड़ा पैदा करना है या और कोई काम करना है, यह अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंगाड़े लगाए, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे, और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं,
ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं। और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, ये जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहन और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है और जंगल पर अधिकार। इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना, दो तरह की वनोपज होती है, एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बूंद, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी, और केवल इतनी नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है, अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। यह मूल्य तय करने का अधिकार, कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे, और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी, अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, ये ही इकट्ठा करेंगे और ये ही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की, बताओ ये होना चाहिए कि नहीं। अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तुड़वाए के गांव की जनता तुड़वाए, बताओ। अरे कौन को तुड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभा का समूह तय कर ले 50 ग्राम सभा कि हमारा तेंदू पत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से आवाज आ, होना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए बिरसा भगवान की, बोलो तोड़ोगे पत्ते और बेचोगे? जब आप कहोगे कि नहीं इस साल हमारी तैयारी नहीं है, विजय साहब बेचे वनोपज संघ, तो आई सरकार हाथ डालेगी, नहीं आदिवासी तोड़ेगा और आदिवासी बेचेगा। यह अधिकार है हमारा, वनोपज पर हमारा अधिकार, यह अधिकार, ये नियम आपको देते हैं। लेकिन एक बात है कि विजय जी, गांव गांव में ये जागृति पैदा, ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव गांव में खबर करेंगे, ग्राम सभा ये संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर वनोपज संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार रहे। और चौथा अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना, गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता,
कौन कौन के नाम से पर...